राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका, मैं हूं आपका दोस्त आकाश वाजपेयी। आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है मेज कल्टीवेशन के ऊपर। इससे पहले राइस और वीट की वीडियो हम ला चुके हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट सीरीज है ये एग्रोनॉमिक की ओवरऑल रिवीजन सीरीज है। इस सीरीज में जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन सभी फैक्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, ये पार्ट नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले कई 10 से 11 पार्ट आपके आ चुके हैं, उनको आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाके चेक करके आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसका एक कंबाइंड वीडियो आएगा 10 से 11 घंटे का, वो आपका एग्जाम के टाइम पे आएगा, तो वो भी जब आएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या होता है इस सीरीज़ को देखने के लिए, इस सीरीज़ को लिए जब भी आपके पास समय हो तो ईयरफोन लगाकर बार बार इस सीरीज़ को सुनते रहिएगा, आराम से चीज़ें आपको एक ना एक बार में याद हो जाएंगी। और यह सीरीज और रिवीजन सीरीज है। डिटेल में अगर आपको कोई कोर्स चाहिए तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पे हम पढ़ा रहे हैं, 5% का डिस्काउंट है उस पर अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं आकाश5। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो आपको वहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर आकाश वाजपेयी सर्च करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये जो रिवीजन सीरीज है एसआर रेड्डी 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 और कंप्रेहेंसिव इकोनॉमी की है। सामने जो बुक दिख रही है कंप्रेहेंसिव इकोनॉमी है, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं मेज की। मेज जो होता है, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिरेकल क्रॉप बोलते हैं, एक जादुई फसल बोल देते हैं। ठीक है, और मेज एक रानी है। सर, राजा कौन है? सीरियल्स का जो राजा है वो आपका वीट है, लेकिन जो रानी है वो कौन है? वो मेज है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि सर मेज का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो जिया मेज होता है। ठीक है, और इसकी फैमिली क्या होती है? ग्रेमिनी होती है। यानी जिया मेज साइंटिफिक नेम हो गया, फैमिली क्या होगी? ग्रेमिनी होगी। ठीक, इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है सर, वो ओरिजिन प्लेस होता है आपका मैक्सिको। मैक्सिको मेज का क्या है? ओरिजिन प्लेस है। ठीक, और जो मेज का ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसे AICRP बोलते हैं, 1957 में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला AICRP मेज का ही बना था सर, 1957 के आसपास। ठीक है, अच्छा, मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन के लिए, अगर हम लोग इसके जमाव की बात करेंगे, जर्मिनेशन की बात करेंगे, तो सर 21 डिग्री सेल्सियस 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। और अगर इसके ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ के लिए 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया जो है, ठीक है, वो पूरे इंडिया में मेज का कल्टीवेशन होता है, सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़कर? केरला को छोड़कर। केरला में मेज का कल्टीवेशन बहुत ही ना के बराबर होता है, नहीं होता है, मेनली पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेज का कल्टीवेशन मोस्टली किया जाता है। ठीक है, कर्नाटका वगैरह में प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी इसकी होती है। ठीक, मेज जो होती है एक मॉइस्चर स्ट्रेस की कैसी है? सेंसिटिव क्रॉप होती है, और वाटर लॉक कंडीशन को, वहाँ पर जब कंडीशन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वाटर लॉक होगी तब भी नुकसान करेगा, और मॉइस्चर स्ट्रेस होगा तब भी नुकसान करेगा। ठीक है, यानी पानी के प्रति काफ़ी संवेदनशील है सर। देखो ये सीरीज में आपको बार बार रिपीट करना है, ये सीरीज रिविजन सीरीज है, तो आपको बार बार रिपीट करना, साथ साथ आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन कभी भी इकोनॉमी में नहीं आता है, जनरली एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए अब फर मेज की कुछ स्पीसीज की बात करते हैं। मेज की जब स्पीसीज की बात करेंगे तो इनमें आपके आता है फ्लिंट मेज, डेंट मेज, ये दो मेज आते हैं। फ्लिंट मेज में आता है जिया मेज इंडुराटा, और डेंट मेज में आता है जिया मेज इंडेंटाटा। ठीक है, जो फ्लिंट मेज होता है, ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं जिया मेज इंडुराटा, और मेनली जो इंडिया में कॉमर्शली कल्टिवेट किया जाता है वो आपका फ्लिंट मेज ही किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना कि इंडिया में जो कॉमर्शली किया जाता है वो आपका फ्लिंट कॉर्न किया जाता है। ठीक, और साथ ही साथ इसका जो कर्नल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, और जब इसके हम लोग पोर्शन देखते हैं वो काफ़ी स्मूथ माना जाता है। ठीक, अच्छा, अगर बात करेंगे हम लोग किसकी बात करेंगे, डेंट कॉर्न की, तो डेंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जिया मेज इंडेंटाटा होता है। क्या होता है बेटा? इंडेंटाटा होता है। और इंडेंटाटा सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है वो ग्रो किया जाता है USA में। ठीक है, तो USA में मेनली जो है आपका जो जिया मेज इंडेंटाटा है वो ग्रो किया जाता है। ठीक बात है सर। इसके अलावा कुछ और साइंटिफिक नेम है सर, कौन कौन से सर? आपने देखे भी होंगे, जैसे स्वीट कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, पॉपकॉर्न। अब देखो जो स्वीट कॉर्न है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? जिया मेज सेकेराटा होता है। क्या होता है बेटा? जिया मेज सेकेराटा होता है। ठीक है, और जो फ्लोर मेज होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज एमाइलोलेका। ठीक है, तो एमाइलिका जो होता है वो आपके फ्लोर मेज का होता है, स्वीट कॉर्न का जिया मेज सेकेराटा होता है। पॉपकॉर्न की बात करेंगे जिया मेज इविट्रा होता है, पॉटकॉर्न की बात करेंगे तो ट्यूनिकाटा होता है, वैक्सी मेज की बात करेंगे तो सेरेटिना होता है। ये आपके सब मेज के साइंटिफिक नेम है सर। जैसे सर स्वीट कॉर्न की बात करेंगे तो सेकेराटा, फ्लोर मेज की बात करेंगे तो एमाइलिका, पॉपकॉर्न की बात करेंगे सर तो इवेट्रा, और कॉर्न की बात करेंगे तो ट्यूनिकाटा। तो
ट्यूनी काटो याद रखना, क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं पॉडकॉर्न, ठीक है। और पॉपकॉर्न क्या होता है, जियामेज इविट्रा होता है, तो पॉप और पॉड में फर्क है थोड़ा सा, ये याद रखना, ठीक है, ट्यूनी काटा और इविट्रा में, ठीक है, ये पूछा जाता है। वैक्सी मेज की बात करेंगे तो सेरेटिना होता है, ठीक है। अच्छा, मेज के बारे में जो सिंगल सिंगल क्रॉस टेक्निक को डेवलप किया था, वो डेवलप किया था ईस्ट एंड शुल ने। क्या नाम था सर? ईस्ट एंड शुल। तो इन्होंने क्या किया था, सिंगल क्रॉस टेक्निक को डेवलप किया था, बल्कि मेज में ही जो डबल क्रॉस टेक्निक थी, उस डबल क्रॉस टेक्निक को डीएफ जॉन्स ने डेवलप किया था। किसने किया था? डीएफ जॉन्स ने, ठीक है, इनके बारे में याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइम 1961 में चार क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी रिलीज की गई थी, कौन सी सर? चार थी, एक थी गंगा वन, गंगा 101, डेक्कन और रंजीत। गंगा वन, गंगा 101, डेक्कन और रंजीत थी, ये मेज की चार हाइब्रिड वैरायटी थी जो कि डेवलप की गई थी, ठीक है, 1961 में। अच्छी बात है। टॉप क्रॉस वैरायटी की बात करेंगे तो इसमें गंगा दो और हाई स्टार्च थी, ठीक है, दोनों टॉप क्रॉस वैरायटी हैं, ठीक, यानी सिंगल क्रॉस और अपर पॉलिनेटर वैरायटी के भी जब क्रॉस होता है तो टॉप क्रॉस बोल देते हैं, और गंगा टू और हाई स्टार्च इसकी वैरायटी डेवलप की गई थी, ठीक है। 1967 की अगर बात करते हैं तो वहाँ यहाँ पर विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर और सोना, ठीक है, वैरायटी याद करने की ट्रिक भी हम चलाते रहते हैं, ठीक, उनकी भी काफ़ी सीरीज पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अब विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर और सोना, इन 1967 में छह कंपोनेंट्स, मतलब छह मतलब आपकी कंपोजिट वैरायटी डेवलप की गई थी, ठीक है। और लाइसिन रिच अगर वैरायटी की बात करेंगे तो आपकी कौन सी थी? ओपेक टू, ठीक, ओपेक टू क्या था सर? ये लाइसिन रिच, इसके अंदर जो कंपाउंड पाया गया था, ये ओपेक टू जो लाइसिन होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया गया था। कौन सी वैरायटी थी? शक्ति और आपकी रतन थी, रतन और शक्ति के अंदर ओपेक टू काफ़ी ज़्यादा पाया गया था, ठीक बात है। अगर हम देखेंगे कि मेज जो होता है इसके अंदर सेमिनल रूट पाई जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे कि एरियल रूट इन मेज इज कॉल्ड ब्रैक या प्रॉप रूट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेज में जो एरियल रूट्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो एरियल रूट्स को बोलते हैं हम लोग ब्रैक या प्रॉप रूट बोल देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर मक्के की बात करें तो मक्के में सर क्या होता है, मक्के का जो पॉलन होता है, ठीक है, वो लगभग जो मेल वाला पार्ट है वो लगभग जो है 30 से 60 मिलियन टैसल प्रोड्यूस करता है, मतलब जो टैसल्स होते हैं यानी जो मेल पार्ट्स होता है वो टैसल्स लगभग पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कितने करते हैं? 30 से 60 मिलियन करते हैं, ठीक है, बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम लोग इसकी सीड रेट की बात करें, यानी मक्के की जो सीड रेट होती है वो कंपोजिट वैरायटी में 15 से 20 किलो होती है, 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। और अगर हाइब्रिड वैरायटी की बात करेंगे तो 20 से 25 केजी, यानी 20 से 25 किलो जो है पर हेक्टेयर हाइब्रिड मेज पड़ेगा, और 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर कौन सा पड़ेगा? कंपोजिट मेज पड़ेगा, ठीक है। बल्कि अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन की, तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन में आपका जो मेज पड़ता है वो लगभग 66,666 यानी 66,666 पर हेक्टेयर जो है आपके लगभग प्लांट की पॉपुलेशन देखी जाती है, ठीक है। सीड रेट में पॉइंट याद रखना, कंपोजिट वैरायटी में 15 से 20 किलो, सीड रेट पर हाइब्रिड के लिए 20 से 25 किलो, ठीक है, और पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 66,666 लगते हैं, ठीक, तो हाइब्रिड वाला 20 से 25 किलो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रबी मेज की। वैसे तो मेज मेनली खरीफ सीजन की क्रॉप है, लेकिन तीनों मौसम में हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग रबी, खरीफ, जायद तीनों में काउंट करते हैं, ठीक। अच्छा, अब रबी सीजन की बात करेंगे तो रबी सीजन में मेज को हम लोग सोन यानी कि बोते कब हैं? तो सर इसको बोते हैं अक्टूबर के महीने में। कब बोते हैं सर? अक्टूबर में बोते हैं, और मेनली जो रबी सीजन का मेज है वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं सर, तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इसमें लगभग जो है आपके 90,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 90,000 पर हेक्टेयर प्लांट आपके लग जाते हैं, ठीक है। इल्ड भी सर ठीक ठाक हो जाती है, 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंडिया फ्रंट कॉर्न इज ग्रोन इन मैक्सिमम एरिया वाइल इन यूएसए डेंट कॉर्न इज ग्रोन। तो इंडिया में जो फ्रंट कॉर्न में मेनली ग्रो किया जाता है, और यूएसए में डेंट कॉर्न जिसे इंडन टाटा और इंडिया वाले इंडो टाटा बोल देते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। बाकी रबी सीजन की बात अगर करेंगे तो अक्टूबर में ग्रो करते हैं, बिहार में होता है, 90,000 प्लांट होते हैं, 50 से 60 क्विंटल आपकी इल्ड होती है, ठीक बात है। आगे बढ़े, बात करते हैं स्वीट कॉर्न की, मीठे आप मेज की, ठीक है, जो आपके दाने होते हैं स्वीट कॉर्न जो होता है, अगर उसे आपको लगाना है तो उसका सीड रेट 8 किलो के आसपास होती है, 8 केजी पर हेक्टेयर के आसपास होती है।
मॉइस्चर कंटेंट की बात करेंगे तो हार्वेस्टिंग के टाइम जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो 70% तक होना चाहिए, यानी कि 70% मॉइस्चर कंटेंट होता है हार्वेस्टिंग के टाइम, ठीक। और प्रीडोमिनेंट ग्रेन कलर की बात करेंगे तो येलो कलर जो होता है इसका प्रीडोमिनेंट ग्रेन कलर होता है, ठीक है। अबाउट 20% ऑफ ड्राई मैटर इज शुगर, कौन सा होगा शुगर, लगभग सर 20% के अंदर क्या होता है ड्राई मैटर होता है। ग्रीन कॉप बात करेंगे तो सर पॉलिनेशन के 18 से 20 दिन बाद आप उन ग्रीन कॉप को तोड़ लीजिए और उसके बाद उसको आप अच्छे से खा भी सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है सर। अच्छा सर, जो स्वीट कॉर्न होता है इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो विटामिन सी और विटामिन ए इनकी मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। अब सर विटामिन सी की जब बात करते हैं तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। हाँ, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन सी जो होता है ये सबसे ज़्यादा बारबाडोस चेरी आंवला पाया जाता है और रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा मैंगो में पाया जाता है। और अगर सब्जियों की बात करेंगे तो बथुआ में पाया जाता है, चिरोपोडियम एलोम में 11,300, मैंगो में 4,800, ऐसे फैक्ट हैं याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं पॉपकॉर्न, ये क्या था सर, स्वीट कॉर्न, 8 किलो सीड रेट थी, ठीक है। और पॉपकॉर्न में देखते हैं सर 12 किलो सीड रेट है, 4 किलो सीड रेट सर पॉपकॉर्न के रूप में बढ़ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 12 किलो सीड रेट किसकी है, ये आपके पॉपकॉर्न की है। कर्नल की बात करें काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है। इंडोस्पर्म काफ़ी हार्ड होता है, यानी कर्नल स्मॉल होगा लेकिन इंडोस्पर्म हार्ड होता है। अब पॉपिंग जो है बस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर पॉपिंग इसमें अंदर हो जाती है। पॉपिंग जानते हो कैल्शियम कमी से होता है, जैसे मूंगफली में आपने देखा होगा कभी कभी दाना खाते हो अंदर दाना बनता ही नहीं, पॉपिंग कहलाता है, ठीक है। तो मेज में भी कभी कभी होता है जब टेम्परेचर 70, या मान लो आप दाना क्या, आप यहाँ पर पॉपिंग का मतलब ये समझ सकते हो कि जैसे जो फूलता है एकदम से उसको बोल देते हैं, ठीक है। चलो क्यूपीएम क्या होता है, क्यूपीएम मतलब होता है कि आपके लगभग जो इसके अंदर जीन होता है, ठीक, हाई क्वालिटी मेज प्रोटीन वाला, ठीक, वो कौन सा होता है, ओपेक टू जीन होता है, ठीक। अच्छा अगर और सब देखेंगे तो रिच इन लाइसिन, ठीक है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफिन। तो क्यूपीएम वाले जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, आपके लाइसिन और ट्रिप्टोफिन ज़्यादा होते हैं, 3.5 से 4% तक लाइसिन होता है। अच्छा लो कंटेंट ऑफ ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, और इसके अंदर ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन जो आपके अमीनो एसिड होते हैं काफ़ी कम होते हैं। बायोलॉजिकल एलू वैल्यू जो होती है प्रोटीन की 80% तक होती है। और वैरायटी शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 और HQPM 1 होती है, शक्तिमान 1, 2 और HQPM 1 ये आपकी हाई क्वालिटी मैच प्रोटीन के वैरायटीज होती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेबी, यानी बेबी कॉर्न की, यानी कि जो अनफर्टिलाइज्ड कॉब होते हैं, ठीक, लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक, उन्हें हम लोग बेबी कॉर्न बोल देते हैं। इन्हें सर क्या करते हैं, जैसे सिल्क इमरजेंस हुआ उनके सर 1 से 3 दिन के अंदर उनको तोड़ लेते हैं, ठीक। और ये पूरी क्रॉप अगर आपको लेनी है तो 60 दिन के नीचे नीचे आपकी पूरी क्रॉप तैयार हो जाती है। ये सर ये जो बेबी कॉर्न होता है ये किसका रिच सोर्स होता है, तो फास्फोरस का काफ़ी अच्छा ये सोर्स माना जाता है, बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है आपका रिच सोर्स, ठीक है। सोइंग की बात करेंगे तो अप्रैल से अगस्त के बीच में कभी भी आप इसकी क्या कर सकते हो, सोइंग कर सकते हो बेबी कॉर्न की, ठीक है। आओ फिर बात करते हैं बैक्सी मेज की, बस यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। बैक्सी मेज जो होता है इसकी ओरिजिनेटर कहाँ है, चाइना है, ठीक। और 100% एमाइलोपेक्टिन स्टार्च इसके अंदर पाया जाता है। अगर मेज के अंदर ऑयल की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है सर, मेज के अंदर जो ऑयल परसेंटेज होता है वो कितना होता है, वो होता है अप्रॉक्स 3-4%, कितना होता है 3-4% होता है। और सीड रेट अगर फॉडर की बात करेंगे तो 50 किलो तक पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी वही वॉइस ओवर करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक। एट्राजिन और सिमाजिन दो पॉपुलर हर्बिसाइड है वीट कंट्रोल के लिए मेज में, फॉर इरिगेशन टेफलिंग सिल्किंग दोनों इंपॉर्टेंट स्टेज होती हैं, ठीक है। और मोस्ट क्रिटिकल कौन सी होती है, सिल्किंग होती है। नाइट्रोजन एप्लीकेशन इज डन एट जर्मिनेशन नी हाई एंड नी हाई स्टेज, मतलब कि जर्मिनेशन स्टेज बहुत ही क्रिटिकल है इसके लिए, आप नाइट्रोजन एप्लीकेशन के लिए नी हाई स्टेज घुटने तक हो जाए आपका, यहाँ तक आपकी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मेज प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन प्रोटीन बोलते हैं। और एक ओवरव्यू 2 मिनट के अंदर लेते हैं मेज का। मेज का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिया मेज होता है, एक मिरेकल क्रॉप है, क्वीन ऑफ सीरियल है, और मेरे साथ बोलना क्वीन ऑफ सीरियल है, ओरिजिन प्लेस मेक्सिको है, फैमिली पोएसी होती है, ठीक है। ऑल इंडिया कॉर्नर रिसर्च प्रोजेक्ट 1957 में आया था। ऑप्टिमम जर्मिनेशन टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ग्रोथ के लिए 32 चाहिए होता है, ठीक। सर इसका टाइप में फ्लिंट कॉर्न था, साइंटिफिक नेम इंडूराटा था, मेनली इंडिया में होता था। डेंट कॉर्न जिया मेज इंडन टाटा था, मेनली यूएसए में होता था। स्वीट कॉर्न सेकेराटा था, फ्लोर मेज एमाइलक का था, पॉपकॉर्न इवेट्रा था, और पॉड कॉर्न आपका ट्यूनिकाटा था, ठीक है। अच्छा वैक्सी मेज को सेरेटिना बोलते हैं, ठीक। ईस्ट और सुल ने सबसे पहले सिंगल क्रॉप टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया था,
डबल क्रॉस के लिए डीएफ जॉन्स ने कराया था। फर्स्ट टाइम इंडिया में, फर्स्ट टाइम 1961 में डबल क्रॉस हाइब्रिड डेवलप की गई थी। गंगा बन गंगा 101 डेक्कन की गई थी। टॉप क्रॉप रेसिस्टेंट वैरायटी गंगा 2 और हाई स्टार्स थी। ठीक है, सेमिनल रूट जो थी मेज की, ठीक है, इन्हें हम लोग कॉर्निया परमानेंट रूट को टेम्परेरी होती हैं, और जो कॉर्नरी रूट्स होती हैं वो परमानेंट रूट्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, ईच फ्लोरेट्स में लगभग 3 स्टेमन होते हैं, याद रखिएगा, छूट गया था, 3 स्टेमन होते हैं। ठीक, और साथ ही साथ सीड रेट की बात करेंगे तो कंपोजिट वैरायटी की सीड रेट 15 से 20 किलो होती है। ठीक, और हाइब्रिड की सीड रेट 20 से 25 किलो होती है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन 66,666 होते हैं। रबी सीजन 50 से 60 क्विंटल तक देती है अक्टूबर में, और बिहार में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। स्वीट कॉर्न की बात करेंगे तो 8 किलो सीड रेट, पॉपकॉर्न की बात करेंगे 12 किलो सीड रेट। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। प्रोटीन, जीन प्रोटीन होती है। इरीगेशन सिल्किंग और टेफलिंग स्टेज काफ़ी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। यहाँ तक आपका मेज था, मेज के बारे में पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, कोई भी समस्या होती है तो इंस्टाग्राम पे आकाश बाजपेयी सर्च करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, नीचे नंबर दे रखा है। ठीक, किसी भी कोर्स के लिए आपको तो कुछ भी अगर जानकारी चाहिए, बेधड़क आप नंबर डायल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। अच्छे से रहिएगा, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा।